हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज है फ्राइडे 3 जून और आज मेरे घर में पुरान खानी है और कल अम्मी अबू का एनिवर्सरी था। तो स्टार्ट करते हैं आज के दिन से, क्योंकि जो भी होने वाला आज ही होने वाला, कल कुछ हुआ नहीं है। तो अभी हम उठ चुके हैं, एक्चुअली उठे नहीं, उठाया गया है ज़बरदस्ती। तो इससे आगे हम अपना दिन का शुरुआत करते हैं, तो जो भी होगा हम आपको दिखाते हैं। उसे उठा रही थी और अभी बज रहा है 7:45, तो अब हम उठ चुके हैं। तेज धूप भी हो चुकी है, खिड़की से आ रही अंदर, और अब हम जा रहे हैं फ्रेश होने, ब्रश करने, उसके बाद मिलते हैं आपसे। चाय बिस्किट खा। ये हाँ सारा चाय। जरा हाई कर दो, जरा हाई, बोल हाई कर दो। जरा हाई कर दो, हाई कर दो। नहीं कर, अच्छा कर दिया। अजी है मेरी प्यारी बाली। जारा की चाय की, जारा की आगाज़ होती है सुबह की चाय के साथ। वैसे होती नहीं है बट बना था, तो फिर वो पी ली बच्ची है और उसको पसंद। ये रहे मेरे बड़े मामू, जो कि कल रात, कल दिन में आए थे ना मामा, क्योंकि कल कुरन खाने भी है और मामा भी आए हुए हैं। और फिलहाल मामा का नाश्ता चल रहा है, बताइए मामा कैसा लगा? बहुत टेस्टी नाश्ता बना है। और जारा यहाँ झाँकने की नाकाम कोशिश कर रही थी, कम सोची, इसे भी दिखा दी। के बाद फिर से मौका मिला और फिर से मेरा चीपा चीपी जारा को स्टार्ट हो गया। कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है माशाल्लाह। लेकिन अगर कोई बच्चा बहुत क्यूट हो और मतलब जो दिल के करीब होता है, उस बच्चे को चीप चाप करने में बड़ा मज़ा आता है। और हमारे घर में आज बन रही है पाव भाजी, क्योंकि कुछ स्पेशल, तो मतलब ऐसे ही मन के आंटी लोग का प्लान हुआ, तो किसी दिन खीर पूड़ी बन जाता है तो किसी दिन पाव भाजी बन जाता है। तो उस दिन पाव भाजी का प्लान था, बट अफसोस पाव जो है वो बहुत बासी टाइप का मिला था, और यहाँ पे आंटी का मस्त मस्त वाला पाव भाजी तैयार हो रहा है, जो कि आंटी वाकई बहुत टेस्टी बनाई थी। इसके बाद हम लोगों का खाना पीना स्टार्ट हो गया। पाव को मत देखिए क्योंकि थोड़ा सा बासी है, एंड देन भाजी तो बहुत टेस्टी था आंटी के हाथों का। और उसके बाद ये रही हम और ये मेरी चिकला पिकला, जैसे कि हम हमेशा इन लोगों के साथ ही रहते हैं, दिख जाएंगे, और मेरा भाई और ज़ारा। यहाँ पे हम लोगों का खाना पीना चला, आंटी बोली जितना बच्चा पार्टी एक साथ बैठ जाओ, और बस यहाँ पे थोड़ा इन लोगों का बदमाशी चल रहा है। एंड देन यहाँ पे हम लोगों का खाना भी स्टार्ट होता है, जो कि हम बता रहे थे कि बहुत अच्छा बना है। हम इसलिए साउंड को हटा रहे हैं क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आ जाती, क्योंकि कभी जब हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं तो कभी गाना प्ले कर देते हैं इसीलिए। और यहाँ पे ज़ारा का अलग चल रहा है, और हम दोनों का, हम तीनों का भी खाना पीना मतलब चल ही रहा था। स्नैप बनाओ, फिर खाओ, फिर एक दूसरे को खिलाओ। हम बचपन से बाबू लोग को खिलाते आ रहे हैं, तो मेरी आदत है थोड़ा सा इसको खिलाओ। तो अब ये लोग भी हमें बड़ी हो जाने के बाद ये लोग भी खिला दे रही है रिटर्न में। लेकिन इतना प्यार कि खाने से ज़्यादा हमको खिला ही रही थी। एक लुकमा ख़त्म नहीं हो रहा था कि दूसरा ये दे रही थी। और ये रहा पाव भाजी, जो कि हम सोचे कि अच्छे से आपको दिखा दे। और ये रहा मेरा भाई लोग जुनैद, जो कि उस टाइम नहीं दिखा पाए थे, तो ये बोला था जूम क्यों कर रहे हैं। और ये रहा ज़ारा का होममेड झूला, जो कि अब भी झुला रही थी। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही थी, बचपन में भी हम लोग के साथ बहुत हुआ होगा, घूघू मन्ना जिसे हम लोग कहते थे। एंड आंटी लोग भी आ गई थी, तो मेरा खाना थोड़ा सा लेट, एक्चुअली हम सूट करने के लिए ही रखे थे, और यहाँ ज़ारा की मस्ती चल रही थी, तो हम थोड़ा बैठ के देखे थे। और जो लोग स्नैप पे हैं मेरे, वो तो देखे ही होंगे ये सारे चीज़ को, और उनके पास विदाउट मतलब वॉइस कट के हम दिए होंगे उन लोगों को। और यहाँ इसे तीता लग गया, और यहाँ झूम झूम के ज़ारा का डांस कंटिन्यू है। हम फास्ट फॉरवर्ड किए क्योंकि इस पूरे वीडियो में आपको ज़ारा का ही ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि हम चाहते थे एक प्रॉपर वीडियो बनाए, बट इतना पॉसिबल नहीं, बट हाँ हम सोचे कि चलो एक एक चीज़ को इसका रिकॉर्ड किया जाए। देख सकते हैं आप इसका डांस मस्त है, ये वाला सॉन्ग भी मस्त है, नज़रों से अल्लाह बजाए इस वाले पे। उसके बाद नहा धो के बज गए 2, और आज मेरे घर में कुरान खानी भी होने वाली थी, तो उसकी तैयारी हो चुकी थी। एंड देन यहाँ मेरा भाई डब्बा वगैरह बना रहा नाश्ता के लिए, क्योंकि इसमें नाश्ता भी दिया जाता है, तो हम लोग सोचे कि चलो ये काम कर ले। उसके बाद हम भी उसकी हेल्प कर रहे थे कि वो बोला काउंट करिए कितना है, करना है नहीं करना है, तो हम भी उसकी हेल्प कर रहे थे यहाँ। एंड देन पीछे अप्पी भी हेल्प कर रही थी, और यहाँ आफरी पे भी हेल्प करी थी, मतलब हम लोग सबका काम था यहाँ पे डब्बा बनाओ। एंड देन थोड़े टाइम बाद हम लोग इस चीज़ को पैक भी करेंगे और थोड़ी सी हेल्प मिल। तो ऊपर में हम लोगों के रूम में लेडीज़, मतलब लेडीज़ की कुरान खानी हो रही थी, और नीचे जेंट्स की हो रही थी, तो हम ज़्यादा अंदर सूट नहीं किए क्योंकि बहुत लोग को ऑकवर्ड फील होता, मतलब वीडियो में आते नहीं आते, तो हम साइड से ले लिए। आंटी और बाबू पढ़ रही थी, और भी जो है वो दादी लोग थी। और यहाँ से स्टार्ट होता है पैकिंग, जो कि मामी अम्मी और हम लोग अपने लोग सब। और ये रहा समद, और ये रही ज़ारा, मतलब दो बच्चे, दोनों क्यूट बच्चे मेरे फेवरेट हैं, और दोनों को एक साथ करके इतना प्यार करो इन दोनों को, मेरा मन ही नहीं भरता।
और उसके बाद हम लोग चल दिए केक लाने के लिए। सच बता रहे इतना परेशान, मतलब क्या बोले, सिर्फ एक केक के लिए 2 घंटे तक हम लोग इधर उधर उधर सब जगह पता किए। देन लास्टली सब बोल रहे थे कि 3 घंटे पहले ऑर्डर कर देती या 1 दिन पहले ऑर्डर कर देती आप तो फिर हो जाता जो आपको चाहिए था। तो हम लोग बोले यार अब जो चाहिए वो तो मिलने से रहा रेड वेलवेट, तो अब जो है तो उसी में हम लोग बोले कि ठीक है आप मतलब पसंद करके ये वाला ही ऑर्डर कर दिए। फिर वो बोले ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, उनका बेस तैयार रहता है। तो हम लोग बोले चलिए ठीक है जल्दी जल्दी कर लीजिए, अब 2 घंटे जब हम लोग पेरा ही गए हैं तो थोड़ा सा और करके ही निकल लेंगे, साथ में ही लेके चले जाएंगे। साथ में ज़ारा को लेके गए थे और ज़ारा इसे देख के वो बार बार ये कह रही थी खोलो ना बाबू, मतलब इतने प्यार से ये वर्ड बोलती है ना। कभी मौका मिला तो इस चीज़ को भी हम कैप्चर करके आपको ज़रूर दिखाएंगे। देखा जालू। और ये रही भरहरवा की फाटक, जो एज यूजुअल बंद ही रे मिलेगी आपको, बहुत रेयरली खुली मिलती है, तो बस फंसे थे हम लोग। एंड देन घर आके सबसे पहले बलून वगैरह फुलाने स्टार्ट किए हम, अर्सियर्स और अप्पी भी हेल्प कर रही थी, तो बस ये सब भी जल्दी जल्दी कर रहे हैं। यहाँ ये रही मेरी अर्स जो कि काफ़ी मेहनत से ये भी मेरी हेल्प कर रही थी फुलाने में, क्योंकि सबसे बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। और उसके बाद हम इतने एक्साइटेड होके फुला रहे थे इसे पंप से कि वो फूट ही गया एनिवर्सरी का ई, और ऐसे भी करके 2 घंटे के अंदर ये कंप्लीट हो ही गया। हम मेरे भाई लोग का हेल्प एंड सबका मिलाई जुला के सबसे हो गया। और ये रही अम्मी अबू जो कि फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे, तो हम सोचे चलो अपनी फ़ोटो क्लिक करिए तो हम इस चीज़ का वीडियो बना लेते इन दोनों का साथ में। और उसके बाद अब सब कुछ तैयार वगैरह होके मतलब सबका चल रहा है गिफ्ट वगैरह देने वगैरह का काम, तो मामी आई थी और मतलब ज़्यादा कोई नहीं थे, बस हम लोग घर के ही जो थे हम अर्सियर्स मतलब बाबू लोग और मेरी छोटी आंटी थी, जुनैद मेरा भाई, मतलब सब जो भी है घर के ही है। एंड देन अम्मी आंटी लोग, पता नहीं वैसे रेड मामा भी थे, बड़े मामा, वैसे रेड का थीम तो नहीं था बट पता नहीं कैसे सब कोई का रेड ही हो गया था अनफॉर्चुनेटली, लेकिन बहुत प्यारा था। और उसके बाद बाबू लोग से ही केक कटवाया गया था, थोड़े से अब्बू मेरे नहीं ये सब कट वगैरह करते हैं ज़्यादा, मतलब तुम लोग को जो करना है करो बट वो स्पेशली नहीं करते इस चीज़ को। तो बस हम लोग अम्मी फिर बोली कि बाबू लोग से ही कटवा देते हैं, सेलिब्रेट करने से मतलब है, तो बस इन लोग को कटवा दिया। एंड आप देख सकते हैं इन लोगों का रिएक्शन हैप्पी, तो फिर से हैप्पी एनिवर्सरी अम्मी अबू, 28 साल आप लोग एक दूसरे के साथ रहे और आगे भी अल्लाह ने चाहा तो इसी तरह आगे भी साथ रहिएगा, और हम भी एक दूसरे का साथ दीजिए, खुश रहिए और क्या बोले, बस आप लोग भी दुआ करिएगा अम्मी अबू के लिए। और ये रही मेरी आंटी लोग, तो आंटी लोगों को लगा हम वीडियो फोटो कर रहे थे लेकिन हम वीडियो बना रहे थे आंटी लोगों के साथ। और यहाँ मेरा भाई पार्टी पॉपर फोड़ा जिसकी वजह से, और जो बचा खुचा था वो मेरे बाल में लग गया था। और ये बात हमें कब पता चली, जब आंटी बताई थी दूसरे दिन जब महसूस हुआ नहाने के बाद भी जब ये बाल से नहीं निकला, तो एंड देन ये कट करने के बाद अब इन लोगों का खिलाने का टाइम आया। केक खिलाती थी वो पकड़ती थी डायरेक्ट मुंह में ऐसे डाल देती थी क्योंकि वो बच्चा है एंड उसके हाथ से ज़्यादा बड़ा टुकड़ा हम लोग ऐसे तो नहीं खिला सकते, तो वो पकड़ रही थी एंड जिसको खिला रहे थे उसके मुंह में डायरेक्ट छाप हो जा रहा था। यहाँ हम कुछ ज़्यादा ही परेशान है अपने बाल को लेके, ये नाकाम निकालने की कोशिश। और कुछ देर बाद अपनी मेरी ध्यान खुद से हटी तो हम जाके बाकी अम्मी लोग एक दूसरे को खिला रही थी एंड कुछ का फ़ोटोशूट चल रहा था, सबका अलग अलग सब कुछ चल रहा था, तो हमसे जितना हो सका हम सारे का रिकॉर्ड किए। और बाबू कुछ बोली पता नहीं क्या क्योंकि हम तो वॉइस ओवर कर रहे हैं और साउंड तो कट है। एंड देन यहाँ पे आंटी लोगों का भी चल रहा है, सबका फ़ोटोशूट की ये वीडियोज है जो कि अम्मी लोग फ़ोटो क्लिक करी थी एंड अम्मी लोग चाहती थी मतलब व्लॉग बनाना चाहते थे बट ऐसा स्नैप में बनाते बनाते ये हम नहीं सोचे थे कि इसका वीडियो बनाएंगे, बट बाद में रियलाइज़ होता चलो यार वीडियो बना लेते, तो इसलिए ये इस उसके बाद रात के 12 बज गए थे। देन खाना पीना स्टार्ट हुआ, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। ओके बाय, खुदा हाफिज़।